अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा की ओर से शुक्रवार को बरगंडा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अखिल भारतीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल और महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा ने किया। मौके पर डॉक्टर विकास लाल ने कहा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का निरंतर विकास हो रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से जंग लड़ने में भारत अग्रिम रहा है। वहीं महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा ने कहा कि आज विश्व के और देश के दो शिल्पकारों का एक साथ जन्मदिन है। एक विश्व के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और दूसरा देश के शिल्पकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हर साल की तरह इस साल भी हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। कोरोना से जंग की लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार आज हमारा भारत विश्व की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौतियों का सामना डटकर कर रही है। और आज भारत सिर्फ वैक्सीन बनाने का कार्य ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वैक्सीन देने का कार्य कर रही है। मौके पर कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष रेणु सेठ, प्रदेश महामंत्री ललिता बर्णवाल, उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी रूपा गुप्ता, अमिता, रेणु बर्णवाल, सीमा कुमारी, अंजलि, विजेता आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश के परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा झारखंड प्रदेश एवं गिरिडीह के लोग यहां एकत्रित हुए हैं उनके जन्मदिन मनाने की खुशी में। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा की ओर से गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ आदरणीय यशस्वी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 71वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज दो शिल्पकार, एक विश्व के शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान और दूसरा नए भारत के शिल्पकार आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है और हम सब बहुत ही धूमधाम से इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में है, नित विकास हो रहा है देश का। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां सारे विश्व ने घुटने टेक दिया, वहां पर मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से जंग लड़ने में भारत अग्रिम रहा और अभी भी तीसरी लहर की जो आशंका है उसके लिए भी भारत सक्षम है। और दो वैक्सीन का निर्माण भारत में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, साथ ही विदेशों में भी वैक्सीन का भेजा जा रहा है, इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मैं तमाम अखिल भारतीय वैश्य महासभा परिवार की ओर से मोदी जी के जन्म दिवस पर तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी बर्थडे मोदी जी।